तो ऐसे में देखिए अब बीजेपी ने तमाम चीजों को रोकने के लिए अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं वो चला दिया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए बीजेपी के चाणक्य जो है वो लगातार बिहार दौरे पे हैं, क्योंकि ठीक है भाई आपने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो चल दिया, लेकिन आपको पता है ना कि कभी कभी ब्रह्मास्त्र भी वापस लौट के चला आता है, कहता है कि मैं अपने शत्रु को पराजित नहीं करूंगा, मतलब अपने शत्रु पे वार नहीं करूंगा। लेकिन क्या आरसीपी के कद को छोटा नहीं किया गया जो जेडीयू आरोप लगा रही है? अगर आप आरसीपी को नीतीश कुमार के खिलाफ यूज करना चाहते हैं तो क्यों नहीं है? जब आरसीपी की ज्वाइनिंग हुई तो बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, आरसीपी का कद और बड़ा किया। चिराग पासवान को अभी तक आप अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बना पाए? आप ये तय क्यों नहीं कर पाए कि भाई चाचा भतीजे की जो आपसी लड़ाई है उससे आपको आपके पार्टी को नुकसान नहीं हो? उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी, आरसीपी का क्या रोल होगा? क्यों आपने टेबल टॉक्स तमाम नेताओं को बैठा के नहीं किया? क्योंकि देखिए कमोबेश तो ये तय है कि ये तमाम जो नेता हैं, ये जो तमाम दल हैं, वो बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा हूँ। वोट और बेटी अपने जात में ही दी जाती है, ये कहावत है और आज की कहावत नहीं है, और ये कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ है। वोट और बेटी लोग अपनी जात में ही देख कर देते हैं। तो आप ऐसे में नरेंद्र मोदी का दौरा करवा लीजिए, किसी का भी दौरा करवा लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही स्थिति रही तो यहाँ पे 10 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को, मैं बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है, चुनावी दौरा इसे माना जा रहा है और काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब चुनाव सर पर है और ऐसे में बीजेपी को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो इसको लेकर के लालू नीतीश तेजस्वी कितने तैयार है और महागठबंधन कितना इसको लेकर के तैयार है, बात करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमित झा सर मौजूद है, हमारे सहयोगी कौशिक सर मौजूद है, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सर, जिस तरीके से अब एक चुनावी दौरा कहा जा रहा है और काफी अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को, इसके लिए महागठबंधन कितना तैयार है? देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी की नजर जो है बिहार पर है, क्योंकि बिहार में देखिए 40 सीटें हैं और पिछले बार आपने देखा होगा जब एनडीए के अंदर नीतीश कुमार थे, पिछले बार नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़ रहे थे तो 40 की 39 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन ने जीती थी और 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो बिहार एक हमेशा से अहम रोल निभाता आ रहा है देश की राजनीति में। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, आप देखिए कि 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक कहां पे है, पटना में है, यानी नीतीश कुमार को अपने विपक्षी एकता की जो मुहिम वो चला रहे हैं उसमें सफलता मिलती दिख रही है। नीतीश कुमार का कद जो है वो केंद्रीय राजनीति में बड़ा होते जा रहा है। तो ऐसे में देखिए अब बीजेपी ने तमाम चीजों को रोकने के लिए अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं वो चला दिया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए बीजेपी के चाणक्य जो है वो लगातार बिहार दौरे पे हैं, अमित शाह लगातार दौरे कर, हाँ हर एक महीने अमित शाह का यहाँ पर बिहार दौरा होता है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र नरेंद्र मोदी अब बिहार आ रहे हैं। आपने पूछा कि लालू नीतीश कितने तैयार हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा दूसरे ये से समझाता हूं कि बीजेपी बिहार बीजेपी कितनी तैयार है। क्योंकि ठीक है भाई आपने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो चल दिया, लेकिन आपको पता है ना कि कभी कभी ब्रह्मास्त्र भी वापस लौट के चला आता है, कहता है कि मैं अपने शत्रु को पराजित नहीं करूंगा, मतलब अपने शत्रु पर वार नहीं करूंगा। कारण क्या, मैं क्यों ये से कह रहा हूं ये समझिए। ठीक है आप नरेंद्र मोदी का दौरा करवा रहे हैं, अमित शाह लगातार आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी अपना कुनवा कितना बड़ा कर रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार दौरे पे हैं, देश के दौरे पे हैं, विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, बिहार में तो बीजेपी जो है वो अपना कुनवा नहीं बढ़ा पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि वो कब तक गठबंधन का हिस्सा होंगे। आरसीपी बीजेपी ज्वाइन करते हैं लेकिन उन्हें कोई बड़ा नेता, मतलब ठीक है केंद्रीय मंत्री ने ज्वाइन करवाया जी, लेकिन क्या आरसीपी के कद को छोटा नहीं किया गया जो जेडीयू आरोप लगा रही है? अगर आप आरसीपी को नीतीश कुमार के खिलाफ यूज करना चाहते हैं तो क्यों नहीं है? जब आरसीपी की ज्वाइनिंग हुई तो बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, आरसीपी का कद और बड़ा किया, तो आप तो सीधे सीधे नीतीश के दुश्मन का कद अपनी ही पार्टी में छोटा कर रहे हैं। चिराग पासवान को अभी तक आप अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बना पाए? आप ये तय क्यों नहीं कर पाए कि भाई चाचा भतीजे की जो आपसी लड़ाई है उससे आपको आपके पार्टी को नुकसान नहीं हो? आपने अपने जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे आपको मुकेश सहनी को लाना है, चाहे जीतन राम मांझी को लाना है, चिराग को लाना है, उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी, आरसीपी का क्या रोल होगा,
क्यों आपने टेबल टॉक्स तमाम नेताओं को बैठा के नहीं किया? क्योंकि देखिए कमोबेश तो ये तय है कि ये तमाम जो नेता हैं, ये जो तमाम दल हैं, वो बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन सब अपनी शर्त पे अड़े हुए हैं। तो आपने क्या कभी टेबल टॉक किया? और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन 2015 की गलतियों से बीजेपी ने सबक नहीं लिया है। नरेंद्र मोदी का दौरा कौशिक जी 2015 में भी बीजेपी ने करवाया था, और एक सभा नहीं हुई थी, कई सभाएं हुई थी, उसके बावजूद भी लालू नीतीश की जोड़ी से पार नहीं पा पाई थी 2015 में। तो मैं यही कह रहा हूं, देखिए बिहार में जो है ना वो धर्म की राजनीति नहीं, बिहार में हमेशा जात की राजनीति होती है जी। और मैं यही सवाल करना चाह रहा हूं सर कि बिहार में जो है यहां की राजनीति जो है जातीय समीकरण का प्रभाव यहां पर हमेशा रहता है, इसको नरेंद्र मोदी किस तरीके से भेद पाएंगे, उनका आगमन जो है इस पर किस तरीके से प्रभावी होगा? मैं वही कह रहा हूँ कौशिक जी, देखिए नरेंद्र मोदी आएंगे उनके पॉपुलरिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री आज के डेट में इंडिया में जितने पॉपुलर हैं उतना विदेशों में पॉपुलर हैं। नरेंद्र मोदी आएंगे उनकी सभा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता उन्हें सुनने के लिए आएगी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लालू नीतीश विपक्षी एकता पे वो हमला करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार के अंदर ये कहावत है कि बेटी जो है वोट और बेटी अपने जात में ही दी जाती है, ये कहावत है और आज की कहावत नहीं है, और ये कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ है। वोट और बेटी लोग अपनी जात में ही देख कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं बिहार में जात की राजनीति होती है, अगर इसका काट अगर करना है, बीजेपी को काट निकालना है, ठीक है, आप अपने ब्रह्मास्त्र का यूज कीजिए, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको जमीनी स्तर पे अपने, क्योंकि अकेले तो आप नहीं लड़ सकते ना भाई, लालू नीतीश की जोड़ी से बिहार में अकेले आप कैसे पर्याय लीजिएगा? 2015 का सिनारियो आपको याद होना चाहिए। तो आपको अपना कुनवा जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, और बीजेपी यहाँ पे कहीं ना कहीं मात खा रही है। देखिए बीजेपी के कुनबे की जहां तक बात हो रही है, बीजेपी तो अपना चेहरा ही नहीं साफ कर पा रही है कि लालू नीतीश के खिलाफ अगर कोई चेहरा हो सकता है तो कौन हो सकता है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, चीजें तय करनी होंगी। सम्राट चौधरी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आरसीपी के साथ वो घूम रहे हैं, लवकुश जोरी का नाम दिया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा नया दल बनाए हैं ये भी कहा जा रहा है वो आपके साथ आएंगे, ये कहा जा रहा है मुकेश सहनी आपके साथ आएंगे, चिराग पासवान आपके साथ आएंगे, लेकिन आएंगे लेट हो रहा है ना, कब आएंगे, किस शर्तों पे आएंगे? आपको जिस तरह से महागठबंधन अभी एक्टिव है, तेजस्वी आप देखिए ना, नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं उनके डिप्टी यानी तेजस्वी यादव उनके साथ जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं दिखलाया जा रहा है कि देखिए भाई हम हर एक मुद्दे पे एकजुट हैं, मजबूती के साथ हम तमाम लोग एक साथ खड़े हैं। तो वो मजबूती बीजेपी के साथ नहीं, अंदर बिहार में नहीं दिख रही है, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कुनबे बढ़ाने की बात, वो नहीं दिख रहा है। तो आप ऐसे में नरेंद्र मोदी का दौरा करवा लीजिए, किसी का भी दौरा करवा लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यही स्थिति रही तो यहाँ पे 10 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को। मैं बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूँ, जो भी राजनीतिक समीकरण है, वोट का समीकरण है, ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। तो बीजेपी को चाहिए कि सबसे पहले, ठीक है, अपने बड़े नेताओं का दौरा करवाए, नरेंद्र मोदी का बार बार हर एक महीना दौरा करवाए, और करवाना चाहिए क्योंकि अब 2024 की लड़ाई जो है ऑन हो चुकी है, लेकिन उसके लिए तैयारी टेबल पर कीजिए, वोट के आधार पर तैयारी कीजिए, अपने गठबंधन को बड़ा कीजिए, जो भी उनके ईगो क्लैशेज हैं उनको दूर कीजिए, और एक बड़े दल के नाते ये आपका काम है। वैसे तो बीजेपी के द्वारा तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, 40 के 40 सीट को अपने पाले में खींचने की का दावा किया जाता है। सीमांचल दौरा किए अमित शाह, सीमांचल को लेकर के क्या आपकी राय होगी सर, जब नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आएंगे तो? देखिए वही मैं, सीमांचल तो वैसे भी सबकी नज़र, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, आपने देखा होगा सीमांचल के अंदर ओबीसी की पार्टी ने कितना प्रभाव डाला। और सीमांचल की आप बात कर रहे हैं, देखिए सीमांचल में फिलहाल आरजेडी का कुनवा जो है वो पूरी तरह से कमजोर पड़ा हुआ है, और यही कारण है कि पप्पू यादव जो कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं लालू यादव के, और लालू यादव को जब पप्पू यादव ने छोड़ा था तो लालू यादव उन्हें देखना नहीं चाहते थे, फिर भी पप्पू यादव ने जाकर मुलाकात की। तो पप्पू यादव, आनंद मोहन जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, क्यों एक्टिव हुए हैं, क्यों उन्हें एक्टिव किया गया भाई? सीमांचल के अंदर महागठबंधन को मजबूत कीजिए। और बीजेपी के चाणक्य की भी नजर रही है, बीजेपी की चाणक्य की भी नजर रही है, ओबीसी की नजर सीमांचल पे है। तो सीमांचल तो एक बड़ा क्षेत्र है ना, सीमांचल तो बिहार के अंदर अहम हिस्सा है। तो लेकिन एक सीमांचल की बात नहीं, यहाँ पे पूरे बिहार में 40 सीटों की बात है, उसकी तैयारी कौन दल किस तरह से कर रहा है?
तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र चला रही है तो उसके पहले आप जमीनी स्तर पे अपनी तैयारी कीजिए और वोट के आधार पे तैयारी कीजिए। चलिए तो देखिए, पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाला है, अहम माना जा रहा है इस दौरे को। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा कितना प्रभावी होगा बिहार में, ये देखने वाली बात होगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।